असलम नाजीन आप देख रहे हैं गवादा सी पैग नाजिन बलोचिस्तान कुदरती माहौल पर मंबी खूबसूरत मनाजर और दिलकश सियाती मकाम की सरजमी है ज्यारत में सिनोबर के जंगलात और वहाँ बनी कायदे अज़म की खूबसूरत रेजिडेंसी हो या कोटा की हना झील बोलान में कुदरती आबशारें हों और चश्मों से घिरा पीर गायब हो या खुजार का मूला चटूक मकरान की तवील समंदरी पट्टी और वहाँ की कुंड मलिर जैसी दिलकश साहल या मेहर की 8,000 साल पुरानी तहजीब के आसाद ये सब सूबे के काबिल दीद और बेहतरीन सियाती मकाम हैं बलोचिस्तान ने सूबे के सियाती मकाम को दुनिया के सामने लाने के लिए कई अहम मनसूबे बनाए जिनमें से 100 मिलियन रुपए की लागत से कोटा के इलाके शबान का मास्टर प्लान कुंड मलिर का टूरिस्ट रिजोर्ट जियारत को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का मनसूबा लसपेला में गारों के शहर माह पीर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट समेत कई अहम मनसूबे इस खतर को बदल देंगे नाज यहाँ अहम तरीन बात यह है कि हुकूमत ने सूबे में सात सौ सत्तर किलोमीटर तवील साहली पट्टी के सात मकाम पर रिजॉर्ट्स की तमीर समेत पहले से ही मौजूद रिजॉर्ट की इंतजामिया की बहाली का फैसला कर लिया है साहरी पट्टी के सात मकाम पर सरकारी और निजी शोबे की शराख में सात साहली मकाम पर रिजॉर्ट की तमीर मैनेजमेंट और फौली का फैसला कर लिया है ये कदम सूबे में और खसूस इसके साहली इलाकों में सरमाकारी और सियाहत के फरूग के लिए लिया गया बलोचिस्तान के साहली इलाके और सरगर्मियों के लिए बेहतरीन है कुंड मलेन में सयाहों के लिए तमाम सहूलियात से हराशा रिहायश गई जाएंगी नाजिन बलोचिस्ान फ माहौल पर मंभी खूबसूरत मनाजिर दिलकश और दिलफरेब सियाती मकाम और सकाफ़ती वर्षे से जगमगाती सरजमी है खूबसूरत लैंडस्केप से सजी सरजमी बलोचिस्तान का हर रंग हसी और हर रूप ही सुहाना है इस सरजमी पर कई मटियाले, कहीं सूखे माल तो कहीं सरसब्स पहाड़ हैं तो कहीं ख़ूबसूरत फितरी मनाजिर हस्न बखेरी वादियाँ इन वादियों में कुदरती दर्रे, गार और साफ पानी के गुनगुनाती चश्मे देखने वालों को दावत नज़ारा देती हैं दूसरी जानब मकरान से मुलिका सात सौ किलोमीटर से ज्यादा तवी समंदरी पट्टी है जहाँ जैसा दिल का साहिल है पसनी के समंदर में कुदरती जजीरा आसूला और फिर हंगूल का वसीलो अरीज नैशनल पार्क भी मौजूद है बड़ान और चमन के पहाड़ों का सीना चीर कर तामीर की गई अंग्रेज़ दौर की सुरंगें और वहाँ बिछी रेलवे लाइनें भी सयाहों को हैरान कर देती हैं इसी तरह बोलान और हरनाई के पहाड़ों में पाए जाने वाले गार कुदरत का शाहकार हैं। इन्हीं गारों में से एक बोलान के इलाके में वाक़ मुल्क का सबसे बड़ा गार है जिसकी लंबाई एक मीटर है बलोचिस्तान की ये खूबसूरती तो अपनी जगह लेकिन हकीकत ये भी है कि इन सियाती मकाम और विरसे की तरक्की और इन तक रसाई के लिए खातिर ख़ार इकदाम नहीं किए गए ताहम अब हकूमत सियाहती पॉलिसी की तशील के लिए सरगर्दा नज़र आती है नाजी इस बात में कोई शक नहीं कि बलोचिस्ान कुदरती वसायल से मालामाल है और सियाहत के हवाले से नहायत अहमियत का हामिल सूबा है मगर बदकस्मती से ये शोबा माजी में नज़रअंदाज रहा और इसमें किसी ने तोजो नहीं दी इस सूरत के पेश नज़र कहा जा सकता है कि बलोचिस्तान की खूबसूरती को दुनिया पर आश्कार करने के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत है जिससे सियाहत का शोबा एक सनत के तौर पर सूबे की माशी और इकतसादी तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकता है अगर आप मुख्तरा जायजा लें तो पाकिस्तान को बेहतरीन मोहल्ले बेपनाह नमतों सलाहियतों और वसाइल से मालामाल किया गया एक तरफ आसमान को छूती बुलंदो बोटिया तो दूसरी तरफ वसी और अरीस और साहली इलाका हमारे पास सैकड़ों मील पर फैले हुए हरे भरे वसीओ सोना उगलते उदार भी हैं तो कहीं सेहराओं को हुस्न भी अपनी मिसाल आप है जहाँ चांदनी रातों में मोर नाचते और जिंदगी के रंग फकेरते नजर आते हैं सात लाख छियानवे हजार से जायद मुरबा मील पर सैकड़ों छोटे बड़े दरिया बहते हैं जिनके दामन में वक्त की मुख्त तहजीबों ने जन्म लिया और परवान चढ़ी हमारे दहकानों हुनरमंदों और जवानों को इनकी मेहनत लगन और शुजात से दुनिया पहचानती है बलोचिसान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसकी सरहदें अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिलती हैं। बल्कि गवदर की बंदरगाह की तरक्की न सिर्फ इस सूबे बल्कि पाकिस्तान और खतरे के ममालिक के रोशन और ताबना मुस्कबिल का दरवाज़ा खोल दिया है ये संगे मील कभी अपूर्ण ना हो पाता अगर हमारे जवानों ने अपने लहू से अमन कायम करके तारीख रखना की होती बलोचिस्तान भी सीपा की बदौलत बदल रहा है और अशरों से नज़रअंदाज ये सूबा अब खिते की तवज्जो का मरकज बनने जा रहा है गवादे की बंदगाह महज समंदर का एक हिस्सा या किनारा नहीं ये खिते के करोड़ों इंसानों की मुकद का सहारा है गवादर ख़ में इकतदी और तरक्याती सरगर्मियों का महवर बन रहा है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान और बिलखसूस बलोचिस्तान का फ़ायदा होगा बल्कि वसी एशिया समेत इलाकई भी वसी तजारती मक़े पैदा होंगे अब यहाँ सियात के फरोह के लिए इकदाम किए जा रहे हैं तो ये तजारत के साथ साथ सियाती लिहाज से भी ये खत्म तरक्की करेगा जैसा कि सात मकाम पर रिजॉर्ट्स कायम करने का फैसला किया गया न आप तजारत के साथ साथ बलोचिस्तान में फलती फूलती स्याहत के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को दबाना हर किस्मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली इसी तरह की हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे अल्लाह हाफिज ये वीडियो सोशोन के ताउन ऐसी पेश की गई है सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन डॉट कॉम पर जाए या गूगल प्ले स्टोर एप्पल एप स्टोर ऐसी सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें